जुलाना की तहसील कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन के जिला उप प्रधान नरेंद्र ढांडा की अध्यक्षता में किसानों ने तहसीलदार राकेश मलिक को मुआवजा देने को लेकर मांग पत्र सौंपा। बता दें कि जुलाना में पिछले चार दिन पहले हुई तेज बारिश के कारण किसानों की फसल खराब हुई है, जिसके चलते किसानों की गेहूं और सरसों की कई एकड़ फसल खराब हो गई थी। खराब फसल का मुआवजा दिए जाने को लेकर किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने आज तहसील कार्यालय में पहुंचे और यहां पर भारतीय किसान यूनियन के जिला उप प्रधान नरेंद्र ढांडा ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा कि किसानों को जल्द से जल्द खराब फसलों की गिरदावरी का कार्य करवाकर उन्हें मुआवजा दिया जाए, ताकि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई हो सके। इस मौके पर किसानों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर ब्लॉक सत्र पर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। किसानों को फसल खराब मुआवजा 25,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से देने की मांग किसानों द्वारा की गई। ऐसा जी आज प्रोग्राम था, अपने भारतीय किसान यूनियन का आदेश था कि अपने अपने ब्लॉक सत्र पर जाकर सही तरीके से गिरदावरी की मांग करो और उचित से उचित मुआवजा। किसान यूनियन का कहना है कि 50% से मुआवजा शुरू होना चाहिए और उससे ऊपर 100% तक नुकसान है किसानों को। किसान का नुकसान की भरपाई करी जाए सरकार, और किसानों की यही मांग है जल्द से जल्द करी जाए। कितना मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से? किसान को 25-30 हज़ार रुपये शुरुआत से लेकर 50-60 हज़ार रुपये तक मुआवजा मिलना चाहिए। और हर बार अपना जुलाना ब्लॉक सत्र में गिरदौरी में गड़बड़ घोटाले ज़्यादा होते हैं। हम तहसीलदार से अपील करने आए हैं कि हमारी गिरदौरी निपिस तरीके से हो जाए और जो जमींदार का नुकसान है उस तक पैसे पहुंच जाएं, ये हमारी मांग है। आज तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपेंगे, एक दो दिन का टाइम देंगे, अगर हमारी मांग पूरी होगी तो ठीक है, नहीं फिर बहुत बड़ा आंदोलन दोबारा करेंगे। मामला ये है भाई साहब, आप सबको सोशल मीडिया के माध्यम से पता है फसलों में नुकसान तो हो रहा है, लेकिन जो गिरदावरी हो है ना, वो हर बार किसान का जो छोटा और सीमांत किसान उसके पक्ष में होती है नहीं, यार 60 गाठ हो है। तो मामले चाहूँ भाई इस बार पता लगना चाहिए किसान की फसल का एक्चुअल जो उसका मुआवजा मिलना चाहिए, तो और जो निष्पक्ष गिरदावरी नहीं होती उसको लेकर एक ज्ञापन सौंपने लग रहे हैं। और यह गिरदावरी अगर लेट हो है तो फिर मारे के में काम मेगी ना, फिर वो 500-500 रुपये मुआवजा फिर ताले मारेंगे, फिर रोड जाम कराएंगे, आम पब्लिक परेशान होगी, पब्लिक ने मिलवा गया भाई, किसान परेशान कर रहे हैं। इसलिए पहले एक संदेशा देना है भाई, जिन किसानों की फसल खराब हो चुकी है, क्योंकि फसल बीमा योजना के तहत भी बहुत सारे किसानों के बीमे रिजेक्ट हो गए, कारण के था CSC सेंटर बंद कराए थे, आड़े पटवारियों ने आज भी बाड़ी खड़ी है, 15-20 दिन पहले विज्ञापन दे गए थे मामे, वो खेत खाली दिखा दिए, इस बार भी ऐसा काम ना करें पटवारी और गिरदावरी से ही तरीके कर दे। हाँ जी, सुमित लाठर, किसान छात्र एकता संगठन युवा प्रदेश अध्यक्ष। जैसा कि बेमौसमी बरसात के कारण पूरे हरियाणा में और तकरीबन उत्तर भारत में फसलों का बिल्कुल 100% नुकसान हो गया, उसकी सही तरीके से प्रॉपर तरीके से निष्पक्ष तरीके से गिरदावरी करी जाए और जल्द से जल्द उचित मुआवजा किसान को दिया जाए, ताकि अगली फसल को टाइम पर बुआई कर सके और उसका आर्थिक कुछ मदद मिल सके। उसी को लेकर के आज तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने आए हैं, दो दिन के अंदर अंदर इस गिरदावरी को सही तरीके से बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से प्रॉपर तरीके से गांव में जा करके एक एक खेत को चेक करके उचित मुआवजा दिया जाए और उसकी गिरदावरी मतलब निष्पक्ष तरीके से की जाए, इसको लेकर के आज किसान इकट्ठे हुए हैं। अगर एक दो दिन के अंदर गिरदावरी नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? आंदोलन जैसा आपको पहले पता था, यहाँ पे पहले भी एक आंदोलन हुआ था, छोटा आंदोलन चल करके बहुत बड़ा आंदोलन हो गया था, तहसीलदार को भी अच्छे से पता है, इस तहसील के जो किसान हो बड़े जागरूक हो चुके हैं अपने हकों के लिए, यहाँ पे फिर बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी और बड़ा आंदोलन के लिए फिर प्रशासन को तैयार रहना पड़ेगा। आपका सुन नाम? प्रदीप सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। भाई दोस्तों, जिनने वीडियो नहीं देखी हो वीडियो देख लो, नीचे फोटो होगी उसे क्लिक कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।